ओमान में बंधक बनाई गई छत्तीसगढ़ की महिला आखिरकार सकुशल अपने घर पहुंच गई है। शुक्रवार को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने उन्हें रिसीव किया। शुक्रवार को ओमान में बंधक बनाई गई भिलाई कुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका रायपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने उन्हें रिसीव किया। दीपिका ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर अपनी आप बीती बताई। घर वापसी की सूचना मिलते ही भिलाई सहित पूरे दुर्ग जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बताया कि जन दर्शन में दीपिका के पति ने आवेदन लगाया था कि उनकी पत्नी ओमान में बंधक बना ली गई है। सूचना मिलते ही विधायक रिकेश सेन ने पुलिस अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ओमान में बंधक बनाई भिलाई की दीपिका को सकुशल वापस लाने चर्चा कर रणनीति बनाई। आपको बता दें कि खुर्शीपार निवासी जोगी दीपिका ओमान में काम करने गई थी, जहां उसे बंधक बना लिया गया था। जिला प्रशासन और राज्य शासन की तत्परता से दीपिका की सकुशल घर वापसी हुई है। ये जो परिवार है जोगी दीपिका, इनके पति जो हैं लाइन में लगे हुए थे जन दर्शन में। ये भिलाई के रहने वाले हैं, मेरे विधानसभा से नहीं है, खुर्शीपार में रहते हैं। ये जन दर्शन में एक आवेदन दिए कि मेरी जो पत्नी है ओमान में है और होम मेड के काम के लिए ये वहाँ पर गई हुई है और इसे बंधक बना लिया गया है, ना सैलरी दे रहे हैं और बहुत मारपीट कर रहे हैं, उनका वीडियो भी जारी हुआ है, तो कृपया करके आप बचा लीजिए मेरी पत्नी को। तो मैंने तत्काल इस आवेदन को लिया और मैंने संबंधित पुलिस विभाग को एडिशनल SP साहब से बात करके, पुलिस अधीक्षक से बात करके, संबंधित KI से बात करके मैंने पहली प्राथमिक दर्ज कराई कि आप जाइए और तत्काल पहले रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस के लिए करता हूँ। अब चूंकि विदेश से लेके आना था, क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम होता है, मैंने ट्वीट करके और मैंने संबंधित गृह मंत्री जी से बात करके, अपने सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से बात करके उनके संज्ञान में मैंने लाया। जो अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने पूरे भारत के लोगों को परेशान करके रखा है, लोगों को झूठ बोल के वहाँ पर ले जाते हैं और बेच देते हैं, उसके एवज में दीपिका को वहाँ भेजने के एवज में उसे 2 लाख रुपये मिले थे। पूरा विषय जो है पुलिस प्रशासन से संबंधित है, इनका जो बयान पुलिस में होगा और उसके बाद जो अब्दुल्ला जैसे गिरोह को पकड़ने का भी काम होगा, मैं गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे अमित शाह जी और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एजेंसी में जाने के बाद लोग कम से कम 1 साल 4 महीने 1 साल 3 महीने, लेकिन विधायक सर जी की बदौलत से मैं 1 हफ्ते के अंदर में आई हूँ एम्बेसी जा करके। विधायक सर जी मेरे पर इतनी अति मेरे जा करके वो किए, उनके मेहरबानी से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, अपने बच्चों के पास पहुँची। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।